फिलहाल हमें इसी तरह राजदारी से चलना होगा क्योंकि ताहिर इस वक्त कुछ सुनने की पोजीशन में नहीं है। हमें उनसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है, शरियार हम कोर्ट चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, हमें कुछ वक्त खामोश रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ तीन बड़े नहीं हैं, हमारे चार बच्चे भी हैं। उनको एतमाद में लिए बगैर हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कहेंगे, अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। इसलिए तो नायाब को राजी करना जरूरी है, वही बच्चों को राजी करेंगे। वो नहीं मानेंगे, तुम उनके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। और तुम उनसे इतना डर क्यों रहे हो? डरता नहीं हूँ, उनका ख्याल करता हूँ। तुम उनका ख्याल ही करते रह जाओ और वह नायाब मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल देगी। मुझे कौन से इस तरह छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, मैं खुद तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी? चलो मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा, कहीं चल के थोड़ी शॉपिंग कर लेते। कहाँ गए थे आप? मैं आपका वेट कर रही थी इतनी देर से। मेरा वेट? क्यों? खाने पर आपका वेट कर रही थी। लेकिन मैंने तो खाना खा लिया। किसके साथ खाया? ये किस किस्म का सवाल है? नूर के साथ खाया होगा आपने खाना। नहीं छोड़ेंगे ना आप अपनी हरकतें? कौन सी हरकतें? पहले भी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से रामीन का रिश्ता टूटा, लेकिन आप अब भी वही सब कुछ कर रहे हैं। रामीन का रिश्ता उसकी अपनी हिमाकत की वजह से टूटा है? जी नहीं, रामीन का रिश्ता आपकी वजह से, जुनैरा की वजह से और उसकी माँ की वजह से टूटा। क्या कहना चाह रही हो तुम? जुनैरा ने सेल फोन पर रामीन की तस्वीरें गुफरान को भेजी थी। किस किस्म की जहालत है, ये इल्जाम लगा रही हो तुम? इल्जाम नहीं है, सच्चाई है ये। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत आपका बेटा देगा, सारी बात जानता है वो। अब तुम ये घरेलू पॉलिटिक्स पे उतर आई हो, नूर और उसके बच्चों पे इल्जाम लगा रही हो ताकि वे इस घर से निकाल दिए जाएं। शहरयार प्लीज, खुदा के लिए अपनी आंखों से नूर की पट्टी उतारे तो आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। तुम हद से आगे बढ़ रही हो, बीवी हो बीवी बन के रहो, कहीं ऐसा ना हो ये बेनाम ताल्लुक मैं खत्म ही कर दूं।